हाय एवरीवन, हेलो। सो आई एम वेरी सॉरी कि लास्ट क्लास जो मैंने बीसीआर का लिया था और उसमें इतनी गड़बड़ी हो गई, इतना टेक्निकल इश्यूज हो गया कि आई कुडंट टेक लाइव सेशन, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू सॉर्ट दैट इश्यू ताकि मैं आपके साथ वापस से लाइव सेशंस ले सकूं ऑन बीसीआर। ओके, बहुत जल्द मैं बीसीआर का क्लास लेके आने वाली हूँ आप लोगों को, और सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। ओके, और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा ऑलमोस्ट, शायद ये हमारा लास्ट क्लास होगा फॉर कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज हमारा कुछ कुछ टॉपिक्स बचा है एंड आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टूडे इटसेल्फ, क्योंकि हमारा दो और चैप्टर बचा है जो हमें फिनिश करना है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, सो ये हमारा आज का लास्ट कंपनीज एक्ट का लेक्चर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल बी बिगनिंग विद द चैप्टर। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो काइंडली प्लीज एक लाइक भी दे दीजिएगा ताकि आई नो कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है, यू नो वेयर टू कॉन्टेक्ट मी, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम जिसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक नाउ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लीज काइंडली पे अटेंशन टू व्हाट एवर आई एम सेइंग बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास हमने अल्ट्रा वायर्स किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स किया था, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी किया था। आज हम करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इससे क्वेश्चंस आई थिंक दिस टाइम इज गोइंग टू कम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको कर लें। चलो जी, तो इसको मैं एकदम डिटेल में धीरे धीरे अच्छे से लिखवा के आपको समझाऊंगी। काइंडली पे अटेंशन टू व्हाट एवर आई से। तो जल्दी से लिखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लास्ट क्लास मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, इजंट इट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन सिंस ये बहुत ह्यूज टॉपिक है, इसको समझने के लिए पूरे केस स्टडीज वगैरह समझाने पड़ेंगे, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टॉप इन द मिडल, दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड इन दिस सेशन नाउ। इंडोर मैनेजमेंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडोर मैनेजमेंट? इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अब मैंने आपको जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बताया था, हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने क्या पढ़ा था? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंसान कोई भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सारे डिटेल्स को पढ़े। कौन से डिटेल्स को पढ़े? अब कंपनी का, कोई भी कंपनी का एमओए होगा, राइट, एओए होगा, यू नो व्हाट इज एमओए, एओए हमने पढ़ा है। तो ये सारी डिटेल्स कहाँ पे होती है? दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और ये इजीली अवेलेबल है ऑन द कंपनीज वेबसाइट। तो वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको कंपनी का सारा डिटेल्स, एमओए, एओए, कंपनी के पावर्स, कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट देयर। ओके, सो लॉ कहती है कि इफ यू आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट into a contract, then you should read. So ये सारे public documents read करने की responsibility किसकी? It is your responsibility. It is your responsibility कि you have the knowledge of all these. यह आपका responsibility है कि आपके पास इन सब का knowledge रहे, right? ये सारी चीजों का knowledge रहे, यह आपकी responsibility है, isn't it? तो ठीक है भाई साहब, अब लॉ ने ऐसे कहा है तो हम पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे ना। लेकिन एक बात बताओ, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिए, सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी के एओए में लिखा है कि अगर कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, या फॉर एग्जांपल कोई भी लोन का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लोन का करना है तो एओए में लिखा है कि उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर अर्जुन आते हैं, कौन आता है? मिस्टर अर्जुन आते हैं, और मिस्टर अर्जुन क्या कहते हैं? मिस्टर अर्जुन ने आके कंपनी को लोन सैंक्शन किया, कंपनी को लोन सैंक्शन किया। लेकिन मिस्टर अर्जुन स्मार्ट थे, मिस्टर अर्जुन ने डॉक्यूमेंट्स को रीड किया था,
ही हैड रेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स और उनको पता था कि एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स को कहा, भाई साहब आप प्लीज, मैं लोन तो आपको पास कर दूंगा लेकिन प्लीज आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, पहले सबसे पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाइए एंड ओनली देन आई विल गिव यू द लोन। मेरी बात समझ में आ रही है। मिस्टर अर्जुन ने AOA पढ़ा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि अगर आप कोई भी लोन का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मिस्टर अर्जुन को ये बात पता थी, तो मिस्टर अर्जुन ने ये बात डायरेक्टर्स को कही कि अगर आपको मुझसे लोन चाहिए तो प्लीज कृपा करके आप एसआर पास कर लीजिए, ठीक है ना। अब इस कंपनी ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स लाके दे दिया, एसआर का एक रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट लाके दे दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। डॉक्यूमेंट लाके दे दिया, मिस्टर अर्जुन ने डॉक्यूमेंट चेक किया, डॉक्यूमेंट एकदम सही था और मिस्टर अर्जुन ने लोन सैंक्शन कर दी। बाद में पता चलता है कि ये रेजोल्यूशन आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था। क्या था ये रेजोल्यूशन, आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे गलती किसकी, क्या अर्जुन की गलती है या फिर गलती आपकी कंपनी की, किसकी गलती है यहाँ पे? क्या हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन को बोल के क्या हम अर्जुन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? मेरी बात समझ में आ गई। लॉ कहती है कि एक इंसान, एक कोई भी थर्ड पार्टी जो होगा ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू नो अबाउट द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू नो द एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मैटर्स, ठीक है ना। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू नो क्या होता है आपके इंडोर, आपके चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी की नहीं है। समझ में आया। थर्ड पार्टी को पता था कि एसआर पास करना है, अब आप गलत तरीके से एसआर पास करते हो, आप स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हो, ये कैसे पता पड़ेगा, ये तो आपके ऑफिस के अंदर की बात है। तो लॉ ने कहा थर्ड पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल मैटर्स के बारे में कैसे पता चलेगा, उसको नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए लॉ ने क्या कहा कि इस केस में, इंडोर मैनेजमेंट की केस में हम किसको बचाएंगे, हम थर्ड पार्टी को बचाएंगे, हम थर्ड पार्टी के फेवर में रहेंगे। तो ये वाला जो डॉक्ट्राइन है, इट्स इन द फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी। मेरी बात समझ में आ गई। ये आपके थर्ड पार्टी को फेवर करता है। क्या अभी तक हमने दो पढ़ा था, अभी तक हमने डॉक्ट्राइन ये किसको फेवर करता है, ये कंपनी को फेवर करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसको फेवर करता है, कंपनी को फेवर करता है। लेकिन फिर एक आया थर्ड पार्टी के बचाव में, जिसमें क्या लिखा है कि हम किसको फेवर करेंगे, हम फेवर करेंगे आपके थर्ड पार्टी को। क्लियर, हम किसको फेवर करेंगे, हम थर्ड पार्टी को फेवर करेंगे, बराबर। चलो बहुत अच्छे। अब ये वाला जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसी को बहुत प्रॉपरली समझाने वाली हूँ। ये तो मैंने खाली एक आपको वार्म अप दिया है। अब अंदर चलते हैं इसके की केस स्टडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। और लिखिए केस का नाम क्या है, रॉयल ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोंड, ठीक है ना। तो इस केस में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्कोंड्स रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्कोंड्स रूल भी कहते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगी वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, वैसे वैसे आपको समझना है। प्लीज यहां पे अटेंशन कीजिएगा कि हुआ क्या था इस केस में, ठीक है एवरीवन। नाउ सी हियर, ना हुआ क्या था यहां पे? ओके, देखो यहां क्या हुआ था, दो डायरेक्टर्स थे। कौन थे, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, कैमरन्स कोल ब्रुक स्टीम कोल एंड श्वानशिया लंदन रेल कंपनी। ये एक कंपनी थी, मेरी बात समझ में आ गई। इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स थे, कौन थे, टू डायरेक्टर्स थे।
इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स थे, ठीक है ना। इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स को क्या चाहिए था, वांटेड वांटेड लोन ऑफ पाउंड्स $2,000। पाउंड्स कितने लोन चाहिए थे, 2000 पाउंड्स इनको चाहिए था एज अ लोन, ठीक है ना। तो ये कहां गए, ये गए आपके, ये कहां चले गए, ये चले गए आपके रॉयल ब्रिटिश बैंक में। कहां गए, रॉयल ब्रिटिश बैंक में गए, ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक में चले गए, ठीक है ना। बराबर एकदम समझ में आ गया। अब आगे सुनो क्या होता है, रॉयल ब्रिटिश बैंक में जाने के बाद इनको पता चला कि ये लोन तभी दे सकते हैं जब कंपनी से ये बॉन्ड करेंगे। मतलब कि दे विल गिव लोन ओनली इफ कंपनी साइंस द बॉन्ड, ठीक है ना। ये कंपनी जो बॉन्ड साइन करेगी, ये कैसे करेगी, टू डायरेक्टर्स को साइन करना पड़ेगा, आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मेरी बात समझ में आ गई। एज मेंशन्ड इन कंपनीज MOA, मतलब क्या हुआ, सुनना मेरी बात। अब ये जो दो डायरेक्टर्स है इस कंपनी की, ये दो डायरेक्टर्स को लोन चाहिए था, तो इन लोगों ने किसको अप्रोच किया, इन लोगों ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को अप्रोच किया। रॉयल ब्रिटिश बैंक बोलता है कि भाई साहब लोन मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बैठा ही इसीलिए हूं, मैं लोन दे दूंगा, लेकिन तुमको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड क्या होता है, जैसे एक तरीके से आपका एक प्रॉमिस कि आप ऐसा रिपे करोगे, एक तरीके से एक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और कंपनी के MOA में, कौन सी कंपनी, जिस कंपनी को लोन चाहिए उसी कंपनी के MOA में लिखा है कि अगर आप बॉन्ड साइन करते हो तो वो बॉन्ड साइन करेगा दो डायरेक्टर आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन सारे मेंबर्स बैठ के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसी के बाद एंड ओनली आफ्टर दैट आप बॉन्ड दे सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही। तो कंपनी को ये बात पता थी, रॉयल बैंक को ये बात पता थी, ठीक है ना। रॉयल बैंक ने बोला आप बॉन्ड जाके साइन करा के ला दीजिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ला दीजिए, हम आपको लोन तुरंत दे देंगे, ठीक है। अब हो गया ये काम यहाँ तक, तो अब उसके बाद वो लोग करके ले आते हैं, ठीक है, ले आते हैं। अब होता क्या है आगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। बैंक उसको RRB उसको क्या दे देता है, RRB गिव्स लोन, गिव्स द मनी, मनी दे देता है, ठीक है ना। हो गया खत्म बात। आगे क्या होता है, सुनो आगे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट। कंपनी क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या किया जाता है, सारे एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है ना। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या करते हैं, हम कंपनी को एसेट्स को लिक्विडेट करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम कंपनी जब आपका इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस कंपनी ने मिस्टर टर्कुआंड को, अब देखो टर्कुआंड कौन है, कौन एक्चुअली टर्कुआंड को अपॉइंट किया। मिस्टर टर्कुआंड वॉज अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। लिक्विडेटर कौन होता है, लिक्विडेटर वो होता है जो आपके एसेट्स को बेचता है, और जितने पैसे उससे रियलाइज होते हैं, सारे जितने भी लोन गिवर्स है, जितने क्रेडिटर्स है, उनको पेमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। एक थर्ड पार्टी होता है, एक ऑफिशियल पर्सन होता है जिसको हायर किया जाता है, ठीक है, थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है, और फिर वो क्या करता है, आपका एसेट्स को बेचता है, और जितना पैसा उससे रियलाइज होता है, बाकी जितने भी लोन देने वाले हैं, जितने क्रेडिटर्स हैं, उनको पैसे पेमेंट किए जाते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी सारी पे ऑफ की जाती है, ठीक है। तो मिस्टर टर्कुआंड आया, आके कंपनी का एसेट्स बेच के अब RRB आया मिस्टर टर्कुआंड के पास, कहता पैसे दो मेरे, जो लोन लिया था 2000 पाउंड्स दो। तो टर्कुआंड क्या कहता है कि ये लोन तो है ही नहीं, कैसा लोन, कौन सा लोन, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं हुआ था मैडम, स्पेशल रेजोल्यूशन तो आपका पास ही नहीं हुआ था भाई साहब,
लोन कहां से बना? और एक बात बताओ, बॉन्ड में तो स्पेशल रेजोल्यूशन का बताया हुआ था, साइन भी डायरेक्टर्स ने किया था, अब आरआरबी को कैसे पता कि वो स्पेशल है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है? आरआरबी ने एमओए एओए पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग उसने उसको काम करने को बोला था, अब वो अंदर बैठ के क्या करता है, वो इंटरनल मैनेजमेंट क्या करता है, उसमें गलती आरआरबी की कैसे? अगर वो ऑर्डिनरी साइन करके लाता है स्पेशल की जगह, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके लाता है, इसमें गलती आरआरबी की थोड़ी ना है। समझ में आया? उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी का इंटरनल मैटर क्या होता है? अब देखो आगे, आगे देखो क्या होगा। द कंपनी द लिक्विडेटर द कंपनी रिफ्यूज्ड टू पे £2,000 टू आरआरबी saying the resolution was never passed. रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, वो तो इंटरनल मैटर है, रेजोल्यूशन को कोई रजिस्टर करके लाता नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो तो उसका इंटरनल मैटर है, वो तो सिर्फ बॉन्ड में साइन करके लाके आरआरबी को देगा। अब अंदर में क्या होता है वो हमें कैसे पता चलेगा? आपने अंदर मीटिंग में क्या डिसाइड किया वो हमें कैसे पता चलेगा? इजंट इट? तो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, उसमें आरआरबी की गलती तो नहीं है। तो आरआरबी क्या करता है, अब वो केस फाइल करता है। आरआरबी को आया गुस्सा, आरआरबी क्या किया, उसने केस फाइल किया, फाइल केस कर दिया, फाइल केस। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लॉ ने ये सारी बातें सुनी, लॉ के पता ना लॉ में कौन बैठा है, वो दीदी बैठी है आंख में पट्टी लगा के। दीदी ने कहा कि बात तो सही है, हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में कहा था कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना चाहिए। आपको पता था, आरआरबी को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पते थे, उसको पता था कि रेजोल्यूशन पास करके बॉन्ड साइन करवा के अगर लाएगा तो ही हम लोन दे सकते हैं। तो उसने अपने हिसाब से सारा काम पक्का करा था, अंदर में उसने गलती करी, अंदर में इंडोर मैनेजमेंट ने गलती करी, उसने गलती आरआरबी की है क्या? नहीं। तो जजमेंट क्या डिसाइड हुआ, प्लीज देखो जजमेंट क्या आया। जजमेंट क्या आया, जजमेंट वॉज इन द फेवर ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक आरबीबी है सॉरी हाँ रॉयल ब्रिटिश बैंक आउटसाइडर्स आर bound to know the external position of the company but not the internal position। मेरी बात समझ में आ गई? क्या था कि एक्सटर्नल पोजीशन जान सकते हैं भाई साहब, इंटरनल पोजीशन तो आप जान ही नहीं सकते। क्या? तो ये वाला पूरा केस इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको इस केस का रेफरेंस देना है। क्या मैम मुझे पूरा का पूरा केस समझाना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ इस केस का रेफरेंस देना है और लिखना है कि इन द सिमिलर केस रॉयल ब्रिटिश बैंक सो एंड सो, और आपको ये जजमेंट बतानी है, ये वाला जजमेंट लिखना है। क्लियर हो गया? अब प्लीज आगे लिखो, अब आगे लिखो, आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहां पे लिखो द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, है ना? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन ही तो है। Where the outsiders is entitled to assume outsider is entitled to assume that all the detailed formalities
all the detailed formalities. For doing that act has been complied with. ठीक है ना, वो ये अज्यूम करेगा कि आपने अंदर में जो जितने फॉर्मेलिटीज थे वो आपने कर लिए. उसको कैसे पता चलेगा कि अंदर में आपने किया या नहीं किया. मेरी बात समझ में आ गई? तो इंडोर मैनेजमेंट बेसिकली इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है. आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया और ये मीनिंग भी मैंने लिखवा दी. ठीक है ना, लेट्स मूव अहेड. अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका एक्सेप्शंस है. अब आपने अभी तक डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायस किया था, फिर अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस का आपको मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अब इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शंस है, तो प्लीज उसको ध्यान से सुनिए. इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शंस क्या क्या है, उसमें भी केस स्टडीज है, सो वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट. चलो लिखो प्लीज एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ठीक है ना, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. क्लियर, लेट्स मूव अहेड. ओके, सो नंबर वन क्या है आपका? नंबर वन प्लीज हेडिंग लिखो. नॉलेज. मैं आपको नॉलेज लिखवा रही हूं ताकि आपको याद रहे. ठीक है, नॉलेज है बुक में आपका, है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज और इरेग्युलैरिटी, बट मैं आपको नॉलेज लिखवा रही हूं. ठीक है, तो यहां पे आप लिखो, छोटा सा लिखो, इंटरनल मैटर्स, इंटरनल प्रोसेस नॉट कंप्लाइड, ताकि आपको जब रिविजन करते वक्त समझ में आ जाए कि इंटरनल प्रोसेस कंप्लाई नहीं हुआ, तो क्या मेरा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम करेगा क्या? नहीं करेगा. चलो मैं बताती हूं कैसे, इसका हम एक केस स्टडी करेंगे. अब केस स्टडी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस केस में हुआ क्या था, केस का नाम है हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. बहुत इंटरेस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अब इसमें क्या हुआ था सुनना, इसमें जो हमारी ये जो पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, ये कंपनी है, इस कंपनी के एमओए में लिखा है, क्या लिखा है बच्चा, इस कंपनी के एमओए में लिखा था कि कोई भी डायरेक्टर कंपनी लोन अगर लेना चाहे, कंपनी कैन टेक लोन अप टू, कितना लोन ले सकती है, अप टू पाउंड्स 1000 पाउंड तक ही ले सकती है. मेरी बात समझ में आ गई? इस कंपनी के एमओए में लिखा था कि कंपनी सिर्फ कितना ले सकती है, सिर्फ आपके 1000 पाउंड तक ही आपका लोन ले सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकती. क्लियर, इतना बात समझ में आ गया. अब आगे क्या हुआ सुनना, कंपनी को पैसों की जरूरत थी, तो एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर का नाम क्या था, हार्वर्ड. डायरेक्टर का नाम क्या था, हार्वर्ड. उसने क्या किया, कंपनी को लोन दिया, उसने कंपनी को लोन दिया, लोन गिविन ऑफ पाउंड्स 3500. मेरी बात समझ में आ रही है आपको, उसने कंपनी को लोन कितना दिया, 3500. ठीक है ना, ये कौन है, ये आपका आउटसाइडर ही तो हुआ, ये डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, लेकिन यहां पे लोन देने वाला थर्ड पार्टी हुआ ना, हुआ क्या नहीं हुआ. ठीक है, अब जब कंपनी को लोन चुकाना था तो कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट, एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट क्या हुआ, कंपनी आपकी रिफ्यूज कर गई कि पेमेंट नहीं करेंगे इतना, क्योंकि कंपनी के पास अथॉरिटी ही नहीं था इतना लोन लेने का. तो क्या आप मुझे एक बात बताओ, हार्वर्ड ये कह सकता है, वो तो आपका इंटरनल मैटर था, वो तो आपको सोचना चाहिए था, कैसे कह सकता है, वो तो खुद डायरेक्टर था. डायरेक्टर को क्या ये मालूम नहीं होगा क्या, डायरेक्टर को या ये नॉलेज नहीं होगा क्या कि हाँ आप ये नहीं ले सकते थे,
तो इस केस में मेरी बात ध्यान से सुनना, इस केस में रिफ्यूज कर दिया टू रिपेमेंट. क्यों रिफ्यूज किया? ऑन द ग्राउंड्स दैट, ऑन द ग्राउंड्स दैट कंपनी वॉज ऑथराइज्ड टू टेक लोन अप टू पाउंड्स 1000. मेरी बात समझ में आ गई? तो इस ग्राउंड पे कंपनी ने उसको रिफ्यूज कर दिया. हार्वर्ड ने केस फाइल कर दिया, हार्वर्ड फाइल्ड केस ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज द केस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इंडोर मैनेजमेंट मतलब कि अंदर की बात है. अब आपने मुझसे लोन लिया है, अब 3500 लो या 1000 लो मुझे मतलब नहीं है. कंपनी ने मुझसे लोन लिया ना, तो अब आपको तो मेरे को देना पड़ेगा. आपने फिर लोन क्यों लिया, वो तो आपका इंडोर मैनेजमेंट है. तो लॉ क्या कहती है? हार्वर्ड वॉज द डायरेक्टर. अब लॉ ने क्या कहा? वो दीदी बैठी थी ना जो, उसने क्या किया? जजमेंट क्या आया सुनना, जजमेंट आया, मेरी बात ध्यान से सुनो, जजमेंट आता है हार्वर्ड वॉज द डायरेक्टर of the company and had the knowledge, and had the knowledge tha usko that of the restrictions, hai na, knowledge tha usko of such restrictions tha ki 1000 pounds le sakte hai khali, iske bare mein tha. In spite of that, he gave loan for 3500 pounds. So, doctrine of indoor management will not be applicable. क्योंकि वो खुद इंडोर मैनेजमेंट का हिस्सा है. वो कैसे बोल सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? उसको तो नॉलेज था. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसको जब नॉलेज था तो वो कैसे बोल सकता है कि ये तो इंडोर मैनेजमेंट का खेला है, मुझे क्या पता? ऐसे नहीं बोल सकता. ही वॉज अ पार्ट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल. मेरी बात समझ में आ गई? इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. तो कंपनी को, अब मेरे को बताओ कंपनी कितना रिफंड करेगी? सो कंपनी को क्या होगा? कंपनी विल रिपे पाउंड्स 1000, खाली इतना ही पे करेगी, नॉट 3500. वो इतना ही पे करेगी, वो इतना पे नहीं करेगी. समझ में आ गया ना? इजी एकदम. तो ये था आपका एक्सेप्शन. इफ यू हैव द नॉलेज एंड स्टिल यू डू दैट, अगर आपको नॉलेज है और आप खुद इंडोर मैनेजमेंट का हिस्सा हो, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ऑन द इंडोर मैनेजमेंट. यू आर अ पार्ट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हाउ कैन यू ब्लेम इंडोर मैनेजमेंट? आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको तो पता था कि कंपनी आउट ऑफ द बियॉन्ड पावर्स काम कर रही है. जब बियॉन्ड पावर्स काम करेगी, वो तो वैसे भी अल्ट्रा वायर्स है, तो वो तो वैसे भी हम नहीं मानेंगे. हार्वर्ड वॉज द डायरेक्टर. क्लियर? बराबर. तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया. ऐसा ही सेम केस है आपके मॉरिस वाला में, तो वो आपका सेम है. आप एक कोई भी एक केस रेफरेंस दे सकते हो, तो उसका एक ही बात पड़ेगा. कोई भी एक रेफरेंस आप दे दोगे तो चलेगा. आपको सारे केस लॉज याद नहीं करने हैं, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना याद करोगे चल जाएगा. ठीक है? और एक ही रेफरेंस देना होता है, आपको दो तीन रेफरेंसेस देने की जरूरत नहीं है. तो जैसे अगर इससे रिलेटेड कोई भी केस लॉ आता है, तो आप हार्वर्ड वाला केस लॉ का रेफरेंस दोगे चल जाएगा. डू नॉट गो अहेड एंड रीड ऑल द केस लॉज, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप एग्जाम में एकदम धावा करके आ जाओगे. नेक्स्ट वन, नंबर टू लिखो प्लीज. नंबर टू आपका है नंबर टू में आपको लिखना है नेग्लिजेंस. लिखो नेग्लिजेंस. ये मैं इसलिए लिखवा रही हूं, बुक में आपका है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है. बुक में आपका सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है. मैं आपको नेग्लिजेंस इसलिए लिखवा रही हूं, आगे आपको समझ में आएगा क्यों. तो यहां पे आपका क्या है? कंपनी टोल्ड चेक बट ही डिड नॉट चेक. कंपनी थर्ड पार्टी कुड, लिखो थर्ड पार्टी did not make sufficient efforts to check
फैक्ट्स है ना, सफिशियंट एफर्ट्स वो लेता नहीं है टू चेक द फैक्ट्स। अब इसका केस स्टडी सुनना, बहुत मजेदार केस स्टडी है, ठीक है, लेट्स गो अहेड। देखो, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ। दिनशॉ मानिक जी, याद है मैंने आपको एक केस पढ़ाया था, आई होप आपको ये सारे केसेस एकदम अच्छे से याद होंगे, बिकॉज प्लीज गाइज दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल कम इन द एग्जाम्स। तो इसीलिए मैं इतना टाइम दे दे के इतना नोट्स बना बना के आपको केसेस समझा रही हूँ। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट, आई विल ट्राई एंड मेक यू एक्सप्लेन अगेन, बट प्लीज ट्राई करना कि आप एक एक चीज को अच्छे से समझो। अब इस केस में क्या हुआ था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था सुनना, एक कंपनी थी, ठीक है ना, क्या थी कंपनी का नाम क्या था, दिनशॉ एंड कंपनी थी, ठीक है। इस दिनशॉ एंड कंपनी में एक अकाउंटेंट था, कौन था, एक अकाउंटेंट था, ठीक है ना। तो ये अकाउंटेंट बैठ के बात कर रहा था एक दिन, मजे से एकदम अच्छे से बात कर रहा था, किससे, आनंद बिहारी से। आनंद बिहारी को वो कहता है, ये कौन है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। आनंद बिहारी को वो क्या कहता है, सुनना मेरी बात, आनंद बिहारी को वो कहता कि अकाउंटेंट और आनंद बिहारी मिलके आपस में, इन लोगों ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों ने मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सुनना, अकाउंटेंट ने आनंद बिहारी को सेल कर दिया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, टू सेल द कंपनीज प्रॉपर्टी। इस कंपनी का प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, अकाउंटेंट ने किया विद आनंद बिहारी, किससे किया, अकाउंटेंट ने किया विद आनंद बिहारी। मेरी बात समझ में आ रही है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द कंपनीज प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात आप बताओ, सपोज मेरा एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट है, एक मेरा पढ़ाने का ट्यूशन क्लासेस का, आपके क्लासेस का एक इंस्टीट्यूट है और आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, वहां पे एक ये आपके जो स्टाफ वगैरह होते हैं, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एक स्टाफ था जिससे आपकी बातें होने लगी, उस स्टाफ ने आपको कहा कि भाई साहब ये जो इंस्टीट्यूशन है ना वो मैं आपको सेल करूंगा, तो क्या आप उसकी बातों पे विश्वास कर लोगे, क्या वो इंस्टीट्यूट किसका है, मेरा है, क्या वो स्टाफ के पास राइट था क्या टू सेल द प्रॉपर्टी, आप मुझे बताओ, था क्या। वैसे ही आनंद बिहारी ने अकाउंटेंट की बात मान के ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ही डिड नॉट चेक वेदर अकाउंटेंट वाज ऑथराइज्ड टू सेल द प्रॉपर्टी और नॉट, डिड ही चेक, नो, आनंद बिहारी ने क्या किया, डिड नॉट चेक वेदर वेदर अकाउंटेंट वाज ऑथराइज्ड टू सेल द प्रॉपर्टी और नॉट, क्या उसके पास ऑथराइजेशन था, क्या वो एज एन एजेंट काम कर रहा था, क्या वो एक इसका प्रॉपर्टी था, इसने चेक ही नहीं किया और उसने एंटर कर लिया। अब आप मेरे को बताओ ये नेग्लिजेंस नहीं है क्या, नेग्लिजेंस है ना, उसको सोचना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था, हर किसी से प्रॉपर्टी खरीदने की तो कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो अब क्या हुआ, अब इसने केस फाइल कर दी, आनंद बिहारी ने मजे में जाके केस फाइल कर दी, दीदी बोली भाई साहब ये तो रॉन्ग बात है, दीदी ने पट्टी उतारी, दीदी ने बोली गलत बात है, आपको चेक करना चाहिए था। तो आनंद बिहारी कहता ये तो इंडोर मैनेजमेंट का खेला है, आनंद बिहारी सेड इट इज अ केस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि अंदर क्या होता है मुझे क्या पता। तो लॉ ने कहा कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, आपको ये चेक करना चाहिए था पहले कंपनी से कि क्या अकाउंटेंट इज लायबल टू सेल द प्रॉपर्टी और नॉट, क्या अकाउंटेंट वो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, यू सिंपली के नॉट अज्यूम दैट, राइट, यू सिंपली के नॉट अज्यूम दैट। तो इस केस में क्या होगा, प्लीज लिखो, लिखो जजमेंट क्या था,
जजमेंट आया when the transaction is unusual, of course unusual है ना, not in the ordinary course of the business, not in the ordinary. अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट करना, राइट, फाइनेंशियली डिस्कस करना, फाइनेंस को डिस्कस करना. इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी को बेच दिया, वो किसका? दिनचौ का. ऑर्डिनरी था क्या? नहीं था. नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इट इज द ड्यूटी ऑफ आउटसाइडर टू वेरीफाई द टू मेक necessary inquiry and verify the facts. उसकी responsibility है, यह और किसी की responsibility नहीं है, उसकी खुद की responsibility है. तो ऐसे cases में क्या होगा? Hence DOIM मतलब doctrine of indoor management is not applicable and the third party and the outsider cannot enforce the contract even if. अब आनंद बिहारी बोलेगा मैं तो एकदम सच्चा और ईमानदार आदमी हूं, मैं तो एकदम गुड फेथ में ये कॉन्ट्रैक्ट करता, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था अगर कोई गुड फेथ में करता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स है. तो वो अगर आके ये भी कहता है कि मैं तो गुड फेथ में कर रहा हूं, मैं तो एकदम बोनाफाइड परचेजर हूं, तो मेरे साथ तो ये नाइंसाफी है, तो उसमें लॉ ने कहा आपके साथ नाइंसाफी नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी टू वेरीफाई द फैक्ट्स, आपने नहीं किया, ये आपकी नेग्लिजेंसी है, ये आपकी ईमानदारी नहीं है, इज नॉट एप्लीकेबल एंड द आउटसाइडर कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द आउटसाइडर इवन इफ द आउटसाइडर एक्टेड बोनाफाइड. ठीक है ना, अगर आपका आउटसाइडर इज अ बोनाफाइड परचेजर, इज अ बोनाफाइड पार्टी, यहां पे लिख दो इज अ बोनाफाइड पार्टी. ठीक है ना, क्लियर? तो आई होप ये आपका क्लियर है, ये दोनों केसेस क्लियर है, तो नेग्लिजेंस हो गया. नेक्स्ट लिखो थर्ड एंड लास्ट है. अच्छा ये वाला भी समझना है क्या आपको? सेम है कि आपका नेक्स्ट जो ये होगटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लो एंड विल्स लिमिटेड आपकी जो बुक में है, इसमें भी सेम ही चीज है. उसने एक कंपनी से लोन ली और दूसरी कंपनी को दे दी, तो ये अलाउड नहीं था, ये आप नहीं कर सकते थे. ये दूसरी कंपनी जिसने लोन लिया था उसको ये चेक करना चाहिए था कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया. तो ये सारी चीजें सेम है, उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन था, ही डिड नॉट वेरीफाई, उसने लोन एक्सेप्ट कर लिया. तो आपको मैंने क्या कहा, एक केस पढ़ोगे इनफ है, दो तीन केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है हर एक सेक्शन से. मतलब यू नीड टू नो कि एक्चुअल पॉइंट क्या बोल रहे हैं. अगर आपने नेग्लिजेंसी करी है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी टू चेक है, टू वेरीफाई है, और फिर भी आपने चेक नहीं किया है, एंड यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो यू आर बोनाफाइड, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल. समझ में आया ना, आपकी मिस्टेक थी वो. नेक्स्ट लिखो फॉर्जरी. इसका केस देखो, बहुत ही फनी सा, बहुत ही स्टूपिड सा केस है, लेकिन जल्दी से देखते हैं. अब इसमें क्या हुआ, इस कंपनी का, इस केस का नाम है, अच्छा इसमें आपको वो लिखवाऊंगा. फॉर्जरी में क्या होता है, नल एंड वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज नल, कॉन्ट्रैक्ट ही आपका नल है, बाकी चीज तो छोड़ ही दो, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया है वही नल है, बिकॉज आपका फ्रॉड हुआ है. फ्रॉड में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फ्रॉड में तो सब कुछ भूल ही जाओ. ठीक है ना, तो केस क्या है, केस लिखो रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड. ठीक है ना, ये है. ठीक है, ठीक है, अब देखो हुआ क्या.
अब यहाँ पे आपका रूबेन था, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कंपनी थी, ये कंपनी, ठीक है ना। कंपनी क्या देती है, कंपनी शेयर्स देती है ना, शेयर्स देती है पब्लिक को, इन जनरल पब्लिक को देती है, तो वैसे ही रूबन ने शेयर्स लिया होगा, ठीक है ना। अब रूबन ने जो शेयर्स लिया होगा, तो अब रूबन को क्या चाहिए, वॉन्टेड अ शेयर सर्टिफिकेट, वॉन्टेड अ शेयर सर्टिफिकेट, उसको एक शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, शेयर्स लिया था उसने, उस शेयर सर्टिफिकेट में सिग्नेचर्स चाहिए थे, किसके सिग्नेचर्स चाहिए थे, सीएस के सिग्नेचर्स चाहिए थे, ठीक है ना, मतलब किसी के भी, डायरेक्टर, सीएस, ऐसे रूल है, उसके सिग्नेचर्स चाहिए। तो वहां पे शेयर सर्टिफिकेट में सीएस का सिग्नेचर किया हुआ था, साइंड किया हुआ था, ठीक है ना। बाद में पता चलता है, बाद में लेटर ऑन, लेटर क्या होता है, लेटर ये पता चलता है द सिग्नेचर वॉज फॉर्ज्ड, सिग्नेचर वॉज फॉर्ज्ड, बहुत ही छोटा सा है, इजी सा है, बाद में पता चलता है सिग्नेचर वॉज फॉर्ज्ड, वो उस सीएस का था ही नहीं। उसने क्या किया, सीएस ने क्या किया, मेरी बात सुनना, सीएस ने साइन कर दी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, किसका सिग्नेचर चाहिए, टू डायरेक्टर्स का चाहिए होता है, सीएस का नहीं, टू डायरेक्टर्स का चाहिए होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाद में पता चला कि वो जो शेयर सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर दो डायरेक्टर्स का सिग्नेचर फॉर्ज किया गया था बाय द सीएस, किसने फॉर्ज कर दिया, किसने नकली सिग्नेचर कर दिया, सीएस, सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी जानते हो, जैसे आप कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे वैसे कंपनी सेक्रेटरी होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, उन दो डायरेक्टर्स का सिग्नेचर ढूंढा करके शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया रूबेन को। अब रूबेन ने केस फाइल कर दिया, केस फाइल करने के बाद रूबेन ने कहा कि ये तो आपका इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर में मैं क्या जानू, है ना, रूबेन तो कह सकता है ना। रूबेन ने कहा इट वॉज अ केस ऑफ डीओआईएम, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, लॉ ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट छोड़ो भाई साहब, वो तो बात की बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हम जाएंगे ही नहीं, हम सबसे पहले जाएंगे फ्रॉड में। जजमेंट क्या आई, जजमेंट आई इट वॉज अ केस ऑफ फ्रॉजरी, फ्रॉजरी का मतलब होता है फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब होता है फ्रॉड, ये आपका केस का फ्रॉड था, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, पूरा का कॉन्ट्रैक्ट ही नल एंड वॉइड है, हम आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहते, पूरा का पूरा फ्रॉड है ये, ठीक है ना, हम मानेंगे नहीं। बाद में अगर आप चाहो तो लेटर ऑन रूबेन क्या कर सकता है, सीएस के अगेंस्ट केस कर सकता है, लेकिन अभी इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल। मेरी बात समझ में आ गई, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपका एप्लीकेबल नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका वॉइड है, फ्रॉड है, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ही नल एंड वॉइड कहेंगे। अब आप बोलोगे मैम रूबेन के साथ तो गलत हुआ, गलत नहीं हुआ, लॉ कहती है कि अगर आपको केस करना है आप सीएस के अगेंस्ट करो, कंपनी इज नॉट लायबल, कंपनी इज नॉट लायबल, मेरी बात समझ में आ गई, आपको जो करना है करो, सीएस के अगेंस्ट करो, कंपनी इज नॉट लायबल, ठीक है ना, समझ में आया, कंपनी इज नॉट लायबल, एकदम बराबर, क्लियर। तो ये था आपका पूरा, जो भी मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझाया है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर। तो आपका मोस्टली सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, विच इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, लेट अस फटाफट से डू दैट, ओके। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और फिर डिफरेंसेस करेंगे एंड देन इट्स ओवर। नाउ प्लीज सी हियर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, Now, what is article of association? मैंने आप लोगों को कहा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से रीति रिवाज होता है, जैसे कि आपकी एमओई क्या हो गई, एक तरीके से कुंडली होती है ना कोई नए बच्चे की, वैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका रीति रिवाज है ऑफ द कंपनी, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी को किस तरीके से चलाना है, कैसे चलाना है, ये सारी चीजें आपकी कहाँ डिस्कस की जाएगी, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस की जाएगी। चलो लेट्स राइट फ्यू थिंग्स अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लिखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज
इट्स इंटरनल अफेयर्स, इट्स इंटरनल अफेयर्स, ठीक है ना, जो कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसकी इंटरनल अफेयर्स को हम अच्छे से मैनेज कर सके, ठीक है ना. इट इज अ सब्सिडरी टू एमओए, मतलब एमओए का एक हिस्सा है, एमओए का एक सेकेंडरी पार्ट है. क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आया? लेट्स मूव फर्दर. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं कि इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होगा. तो इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होगा, देखो, सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स कंटेंट्स ऑफ एओए. एओए का कंटेंट बताती है, जैसे एमओए का कंटेंट हमने किया था ना, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, वैसे ही हम एओए का क्लॉज क्या क्या करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होता है. ठीक है, चलो नंबर वन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से करते हैं. नंबर वन, कंटेन्स रेगुलेशन. तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखो कंटेन्स, ये आपकी बुक में ही है एंड इट्स वेरी इजी, देयर इज नथिंग एज सच कि आपको नहीं आएगा. सबसे पहले देखो, मैं आपको ना जैसे समझा रही हूँ वैसे अगर आप समझ के करोगे ना तो आपको याद ज्यादा जल्दी होगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक काम करते हैं, पहले हम समझते कि क्या है इसमें, मतलब सबसे पहले क्या आएगा इसका, इसको सबसे पहले इसका क्या आता है, रेगुलेशंस आता है. मतलब कि अगर आप सपोज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहला चीज आप क्या डालोगे, आप उसके रूल्स डालोगे, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स ही है. तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं, क्या मैं लिख सकती हूँ क्या कि हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूल्स से. आपने रूल्स से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, अब आपने रूल्स से स्टार्ट किया, फिर आप क्या डालोगे, फिर आप डालोगे कि अगर आपको और क्या क्या मैटर्स इंक्लूड करना है जो आपके रूल्स में नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रूल्स लिखा कि आप बाहर नहीं जा सकते, सपोज रूल्स में आपने लिखा कि यू कैन नॉट गो आउटसाइड. तो अगर इंक्लूजन ऑफ मैटर्स में क्या है कि यू कैन नॉट गो आउटसाइड आफ्टर 7 PM, मेरी बात समझ में आ गई. तो इसमें रूल्स आपने लिखा, रूल्स के बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, एडिशनल रूल्स होता है एक तरीके से. तो यहां पे आप लिख लो इंक्लूजन ऑफ मैटर्स के साथ एडिशनल रूल्स, एडिशनल रूल्स, कुछ भी ऐड करना हो, एड ऑन्स, एक तरीके से एड ऑन्स होते हैं, ठीक है ना, एड ऑन्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अब आपने रूल्स किया, रूल्स के साथ कुछ एड ऑन्स है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एओए खत्म, राइट. लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि जब आपको, अब एक बात बताओ, आपने आज इस साल आपने कंपनी फॉर्मेशन करी है, आपने एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है, आज से 7 साल बाद भी क्या वही रूल्स फॉलो करोगे क्या, नहीं ना, कुछ कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे. तो वो चेंजेस करने के लिए ना, अब आपको मैं 3 बातें बताऊंगी वो चेंजेस लाने के लिए. नंबर वन क्या है, प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट. इंट्रेंचमेंट का मतलब ही हो गया कि ऑल्टरेशन, चेंजेस, प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट, ठीक है ना, प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट मतलब क्या हो गया, आपके रूल्स में ये नहीं है लेकिन आपको रूल्स को चेंज करना है, यू नीड टू ऑल्टर. आपको क्या करना है, ऑल्टर करना है, ऑल्टर एओए करना है. कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अल्ट्रा वायस में कहा था कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को काम कर सकते हो, है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर आपने कोई भी काम किया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास कर दिया और आप वो काम कर सकते हो. मैंने आपको कहा था ना, जब मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस पढ़ाया था, वैसे ही मैं आपको ये बता रही हूँ. लेकिन हर बार, जैसे सपोज आज आपने एक काम करना है, अगर सपोज आपको एक लोन लेना है, सपोज बहुत ह्यूज लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लोन लेना है फॉर अराउंड 1000 pounds, ठीक है ना, लेकिन आर्टिकल में एओए में लिखा है यू कैन टेक लोन अप टू 200 ओनली, ठीक है ना. तो आपने सोचा ये वन टाइम है, तो आपने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और आपने लोन ले लिया. लेकिन अगर ये रेगुलर हो, अगर फॉर एग्जांपल ये रेगुलर बेसिस पे हो, तब आपको ऑल्टर करना पड़ेगा ना, तब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपका ये प्रोविजन बनाया गया है. समझ में आया ना, एकदम इजी, तो आपको याद रहेगा. सबसे पहले हमने क्या बनाया, रूल्स बनाया, रूल्स में फिर हमने क्या एड ऑन्स डाले, एड ऑन्स मतलब इंक्लूजन ऑफ मैटर्स. ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं लिखवाऊंगी डिटेल में, लेकिन एक बार आप समझ लो ताकि आपको याद रह जाए. उसके साथ एड ऑन्स के साथ अब कुछ चेंजेस करने हो आज से 7 साल बाद, 10 साल बाद, तो कुछ तो प्रोविजन होने चाहिए ना.
नंबर वन क्या है, प्रोविजंस है कि प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट क्या कहता है कि आप कर सकते हो, आपको स्पेसिफाइड प्रोविजंस दिए गए हैं, सारे प्रोविजंस की रूल्स में अगर चेंजेस लाने हैं तो कैसे लाने हैं, तो बेसिकली प्रोविजंस क्या बताता है, कैसे करना है, हाउ यू आर सपोज टू डू, मेरी बात समझ में आ गई, कैसे करना है, चेंजेस कैसे लाना है, क्लियर, प्रोविजंस बताते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या है आपका मैनर, नहीं प्रोविजंस क्या, व्हाट प्रोविजंस, सॉरी इसको लिखो व्हाट, कैसे तो मैनर हो गया, इसको लिखो व्हाट, व्हाट चेंजेस, क्या व्हाट चेंजेस, व्हाट चेंजेस आना चाहिए, मतलब कैसे आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा वैसे। अब मैनर, अब ये जो चेंजेस लाओगे वो कैसे लाओगे, मैनर ऑफ चेंजेस, क्या लिखोगे, मैनर ऑफ इंक्लूजन, ऊपर जो आपने प्रोविजंस लिखा है, इंक्लूजन ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऊपर आपने जो लिखा है उसको किस तरीके से करोगे, किस तरीके से चेंजेस लाओगे, तो इसमें क्या होगा, हाउ, इसमें क्या आएगा आपका, हाउ आएगा, हाउ यू आर सपोज टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस, वो जो प्रोविजंस को कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट सच प्रोविजंस। ठीक है ना, तो ये भी हम लिखेंगे आगे। नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है नेक्स्ट, आएगा नेक्स्ट आता है आपका, अब आपने चेंजेस ला दिए, सबसे पहले आपने प्रोविजंस बताए, फिर आपने मैनर बताया, अब आपको क्या करना है, नोटिस देना है, नोटिस अबाउट सच चेंजेस, अबाउट सच चेंज या ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन टू रजिस्ट्रार, मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नोटिस देना है अबाउट सच चेंजेस और ऑल्टरेशन टू द रजिस्ट्रार, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो एक दो चीज और मैं आपको बता देती हूँ, एक काम करती हूँ यही पे बताती हूँ, रूल्स में लिखो प्लीज, यहां पे लिख रही हूँ, ठीक है, रूल्स में क्या लिखोगे, कंटेन्स रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट, रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट, राइट, रेगुलेशंस होता है मैनेजमेंट का, ठीक है ना। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स क्या लिखोगे, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स में क्या लिखोगे, लिखो additional rules or matters, यहां लिखो additional rules or matters necessary for management, है ना, additional कुछ भी add-ons करना हो तो वो हम इसमें add-on कर देंगे, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। next क्या लिखोगे, provision for entrenchment, इसमें क्या होता है, इसमें लिखो conditions and restrictions required for provisions of entrenchment। समझ में आया कि इंट्रेंचमेंट, चेंजेस लाने के लिए कुछ कंडीशन है क्या, अगर चेंजेस लाने के लिए कुछ कंडीशन है तो वो चेंजेस क्या क्या होंगे, वो सारी बातें हम इधर लिखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मैटर ऑफ इंक्लूजन, अब कैसे करना है वो चेंजेस, कैसे करना है, तो चेंजेस कब होता है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन होता है, या तो अमेंडमेंट के थ्रू होता है, और अमेंडमेंट्स, या फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू होता है, अग्रीड बाय, कैसे करेंगे, या तो आप एकदम फॉर्मेशन के टाइम पे ही डाल दो जो भी आपको इंक्लूजन करना है, और या तो अमेंडमेंट करो बाद में, लेकिन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, सॉरी फॉर दिस, पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है ना, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। नेक्स्ट क्या है, नोटिस अबाउट सच चेंज, अब ये चेंजेस जो आपने किया है आपको क्या करना है, आपको इसका नोटिस देना है, शैल गिव द नोटिस टू द रजिस्ट्रार इन द मैनर एंड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब, तो नोटिस शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन द मैनर एंड फॉर्म प्रिस्क्राइब, तो साथ ही में लिख दिया मैंने, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बताइएगा, लेकिन आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नोट्स अगर आपको चाहिए
टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं नोट्स अवेलेबल करवा देती हूँ. ओके चलो नेक्स्ट क्या है, यहां तक समझ में आ गया कितने पॉइंट्स हुए? तो बेसिकली हमारे कितने पॉइंट्स हुए, हमारे हुए वन, दैट इज रूल, ठीक है, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. थ्री का ही तीन पार्ट्स है, प्रोविजन, मैनर और नोटिस. तो थ्री फोर फाइव याद हो गया, थ्री फोर फाइव, थ्री फोर एंड फाइव, क्लियर, ये हो गया. नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका सिक्स. सिक्स में क्या है, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, मतलब क्या होता है, प्लीज सुनो, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि आपके आर्टिकल्स जो होंगे, जो रूल्स होंगे, किस फॉर्म में होंगे, मतलब किस डेकोरेशन क्या होगा उसका. तो क्या लिखोगे आप, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड रिस्पेक्टिव फॉर्म्स, शैल बी इन द रिस्पेक्टिव फॉर्म्स, शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड, कहां स्पेसिफाई किया गया है, स्पेसिफाइड इन टेबल्स, इन टेबल्स एफ जी एच आई एंड जे, इन शेड्यूल आई एज मे बी एप्लीकेबल टू द कंपनी, एंड शेड्यूल जे इन शेड्यूल आई, इन शेड्यूल वन, सॉरी, इन शेड्यूल वन एज स्पेसिफाई एज एप्लीकेबल टू कंपनी. कंपनी को जैसे जैसे एप्लीकेबल होगा वैसे वैसे करेंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे एप्लीकेबल होगा, जो कंपनी को जो जोन सा टेबल एप्लीकेबल होता है वो टेबल वो ले लेगा. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, देखो ये रटने का है, समझाने का इतना नहीं, लेकिन आपको समझा रही ताकि आपको याद रहे, बस और कुछ नहीं है. मॉडल आर्टिकल्स, अरे भाई साहब ये तो कुछ नहीं है. मॉडल आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आप जब मैसेज टाइप करते हो ना, डू यू रिमेम्बर कि वहां पे टेम्पलेट आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का कॉल आया, आप कट करते हो तो वहां पे आता है ना कि आई एम बिजी, कॉल यू लेटर, ऑटोमेटिकली एक टेम्पलेट आता है ना, वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी एक ऑटोमेटिक टेम्पलेट है. आर्टिकल लॉ ने क्या किया, लॉ ने बोला अगर आप खुद से लिखना चाहो, अगर आप खुद से पूरा का पूरा आर्टिकल फ्रेम करना चाहो तो बहुत बढ़िया करो फ्रेम, है ना, बस इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना. लेकिन अगर आप खुद से फ्रेम नहीं करना चाहे तो हमारे पास टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को छाप लो और उस टेम्पलेट को यूज कर लो, समझ में आया. तो मॉडल आर्टिकल्स क्या लिखोगे, कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस, कोई भी regulations जो लिखा हुआ है templates में, आप समझ गए ना templates का मतलब, जो लिखा हुआ रहता है, जो already provided रहता है, contained in the model article जो भी applicable है, applicable to such company. बहुत सारे अलग अलग companies के अलग अलग model articles होते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसको लो, उसको कॉपी करो और बना लो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मॉडल इज द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनीज, ठीक है, क्लियर. मॉडल आर्टिकल्स भी ओवर, लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट मेरे वर्ड्स में लिखवा रही हूं, कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड already registered need to create मतलब ये वाला जो एक्ट आया है उसके पहले अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अभी के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना. द कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड need to modify आर्टिकल as per new laws, ठीक है ना, and company which are newly registered can accept model article of association. तो वो model article of association can accept
मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि वो आज के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है ना, मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो आठवां पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टॉपिक सारे ओवर हो चुके हैं, अभी लास्ट में मेरे को क्या समझाना है, डिफरेंस बिटवीन द एमओए एंड एओए, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। आज थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है क्लास, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। लेट्स डू डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए, क्योंकि करना बहुत जरूरी है, इजंट इट, वरना हम पीछे ही रह जाएंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, आपको आता है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। चलो, चलो ठीक है, अब जैसा बनना बन गया। हाँ, बेसिस फिर क्या है, एमओए एंड एओए, जल्दी से करते हैं इसका डिफरेंस। अब प्लीज राइट विद मी एंड बी लिटिल फास्ट, और यू कैन पॉज, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलरेडी पॉज, रिकॉर्डेड लेक्चर है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑब्जेक्टिव करते हैं सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव राइट। तो क्या है एमओए, क्या करता है, डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, determines the objectives, ठीक है ना। और AOA क्या करता है, rules and regulations, ये क्या करता है, lays down rules and regulations for the management to achieve these objectives, to achieve द ऑब्जेक्टिव। समझ में आया ना? तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है, वो यहां लिखा रहता है, उसको अचीव करने का तरीका क्या है, वो यहां लिखा रहता है। समझ में आ गया? तो इजी, लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, रिलेशन, रिलेशन है, रिलेशन में क्या लिखोगे, डिफाइन रिलेशनशिप, डिफाइंस रिलेशन शिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड। और यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या है, ओ हो, defines relationship of the company with outside world, right? और यहां पे क्या करता है, यहां पे defines relationship of the company with its member, defines relationship of the company with its, and sorry for the handwriting, okay, I can't improve my handwriting now, okay, so I hope आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं repeat कर रही हूँ, इसीलिए मैं class में लिखवाती हूँ, because अगर मैं आपको सीधा सीधे ये दे दूंगी ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। alteration, जल्दी से move on करते हैं। alteration, alteration में क्या होगा, can be altered only under certain circumstances, can be altered only under certain circumstances as provided in the act or regional director or by regional director or tribunal। मतलब कोई भी बताए उस तरीके से ही आप चेंजेस ला सकते हो, राइट। अगर एक्ट में जैसे लिखा हुआ वैसे, अभी तो एमओए को आप कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास पहले नहीं कर पाते थे, अब तो कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ यहां पे क्या लिखोगे, कैन बी ऑल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन।
ठीक है ना, कैन बी पास सिंपली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. लास्ट है, लास्ट है अल्ट्रा वायस. जल्दी से अल्ट्रा वायस वाला कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है. अल्ट्रा वायर्स क्या लिखा है? एक्ट्स कैन बी डन, एक्ट्स डन बाय द कंपनी, बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए आर अल्ट्रा वायर्स, आर अल्ट्रा वायर्स एंड बॉयड, एंड बॉयड कैन नॉट बी रेटिफाइड. मैंने आपको बताया था कैन नॉट बी रेटिफाइड, राइट? हम रेटिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते. एंड कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रेटिफाइड, रेटिफाइड आर्टिकल्स वाले को कर सकते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑफ शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड provided they are intra vires and not, they are intra vires and not beyond the provisions of MOA. मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि ये आपका बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए नहीं है. मतलब कि आप तभी उसको रेटिफाई कर सकते हो अगर वो एमओए के अगेंस्ट नहीं है तो. मतलब आर्टिकल्स और एमओए क्लैश नहीं होना चाहिए. अगर वो एमओए के अगेंस्ट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी अगेंस्ट है, तो आप रेटिफाई नहीं कर सकते. अगर वो सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है तो आप उसको रेटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको ये बात? बहुत अच्छे. तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है? और कुछ आपके चैप्टर में बचा नहीं है. ऑल हैज बीन डन. सो आई होप आपको ये क्लास आपको समझ में आया होगा. टुडे का टुडेज लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू पेड अटेंशन टू व्हाट एवर आई सेड. इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कॉमेंट करके बताइए. एंड इफ यू लाइक द क्लास प्लीज लेट मी नो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले टू गिव यू मोर क्लासेस लाइक दिस. ओके, थैंक यू सो मच एवरी वन, बिकॉज सी आई एम डूइंग इट ऑल फॉर यू, ताकि आपका अच्छे से मार्क्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए, एंड यू कैन डू वेरी गुड इन योर एग्जाम्स. Thank you so much everyone for coming in and joining and watching my lecture. Thank you so much and see you in the next class. Bye-bye.